नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाड़वे तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन। एक बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा जो 13 वर्ष के बाद 22 मार्च 2020 को होनी थी, लेकिन कोविड 19 के कारण उसे टाल दिया गया और अब उसकी डेट आ गई है 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा है और इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में संस्थान के द्वारा एक क्रैश कोर्स के रूप में आपके लिए बैच लाया जा रहा है, जिसमें हम उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी मेहनत हमने पिछले वाले बैचों में आपके साथ की है। और पूरी ईमानदारी के साथ आप हमारे साथ जुड़िए और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे अध्यापक जो आपके साथ संघर्ष करेंगे, आप भी उसमें अपना पार्टिसिपेट करिए और निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाइए। लक्ष्य हमारा न केवल आपको प्रारंभिक परीक्षा में पास कराना है, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाकर मुख्य परीक्षा में आपको बिठाना है और साथ ही साथ साक्षात्कार तक आपका साथ नहीं छोड़ना है, अंतिम रूप से आपको चयनित कराना है। आइएगा, इसी कड़ी में मैं आपको भूगोल, पर्यावरण और साथ ही साथ रवि सर के साथ मैं आपको यूपी स्पेशल की क्लासें दूंगा, जिसमें यूपी स्पेशल में हम और रवि सर दोनों लोग आपको मिलकर पढ़ाएंगे। तो यहां पर मैं आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल में उत्तर अमेरिका महाद्वीप। यहां से देखिएगा, अगर प्रकृति देखी जाए यूपी पीसीएस की कि हमारा जो लोक सेवा आयोग है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, तो लगभग लगभग वो 25 प्रश्न या कुल मिला के कह लीजिएगा 30 प्रश्न जिसमें भूगोल और पर्यावरण आता है, ये वो पूछता है किस परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में जहां पर 150 प्रश्न आते हैं। लेकिन इस परीक्षा में जहां पर 120 प्रश्न आने हैं, हो सकता है थोड़ा सा मानक इसका कम हो जाए, लेकिन आपको उसी दृष्टिकोण से पढ़ना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अगर आपने अच्छी मजबूती बना ली तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, हम लोग विश्व भूगोल का वर्णन करेंगे और लगभग यहां से पूरे कॉन्टिनेंट से मिला के लगभग यहां से 5 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तक यहां से वो पूछ लेगा आपसे, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने महाद्वीपों की, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, आपने हमारे यहां पढ़ाई की, किस संस्थान में पढ़ाई की, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। अगर हम बात करें अपने महाद्वीपों की, तो 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एक महाद्वीप हमारा ऐसा भी है जिस पर मानव जीवन संभव नहीं है, अंटार्कटिका। उसके अलावा कितने बचे, 6, जिन पर मानव जीवन संभव है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ग्लोब को समझ लेते हैं एक बार, ग्लोब में कौन सा महाद्वीप कहां पर है। तो सबसे पहले हम लोग स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करते हैं, ये हमारी पृथ्वी अर्थात ग्लोब है, और इस ग्लोब पर सबसे पहले हम महाद्वीपों का वर्णन कर लेते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें ग्लोब की, तो आगे वाली दिशा पूर्व होती है, आगे वाली दिशा पूर्व होती है और पीछे वाली दिशा जो होती है वो पश्चिम होती है। तो अगर हम पश्चिम से बात करें, तो यहां पर आपको सबसे पहले ये नॉर्थ अमेरिका है, कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है। ये यहां पर कौन सा महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका हो गया। उसके बाद यहां पर जो महाद्वीप है आपका, इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद यहां पर महाद्वीप हो जाता है आपका यूरोप। यूरोप के बाद यहां पर जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है एशिया। और एशिया के बाद जो यहां पर महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर आपका अंटार्कटिका, यहां पर आपका अंटार्कटिका। तो हम अभी इन 6 महाद्वीपों की आपसे चर्चा करते हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस 6 महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, जिनमें कई सारे देश हैं, कई सारी नदियां बहती हैं, कई सारे पर्वत हैं। एक एक से हम इनका अध्ययन करेंगे, ठीक ना। और हम ऐसे अध्ययन नहीं करेंगे कि एक बार हम आपको पूरे विश्व की नदियां पढ़ा दें या पूरे विश्व के पर्वत पढ़ा दें, नहीं। हम एक कॉन्टिनेंट लेंगे, एक महाद्वीप लेंगे, उस महाद्वीप के सारे देशों को, सारी नदियों को, सारी राजधानियों को, वहां के खनिज संसाधन, वहां की कृषि, वहां की बागवानी, सबको एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसे पढ़ने में क्या होता है, ऐसे पढ़ने में मजा भी आता है, रुचि भी बढ़ती है और साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर होते हैं, साथ ही साथ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक ना। आइएगा, दूसरी बात हम समझते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा एक ग्लोब है, इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं हैं। यहां पर एक रेखा है जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से 2 भागों में बांट देती है, एक रेखा है जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से 2 भागों में बांट देती है। इस रेखा का जो नाम है, रेखा का नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और इसी को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं।
पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसको एक नाम और दे दिया गया, और इसको एक नाम दे दिया गया भूमध्य रेखा। मान इसका 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान जो है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। इस उत्तरी गोलार्ध में यहां पर एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है और इस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा का मान 23.5 डिग्री नॉर्थ है। यहां पर एन हमें संबोधित करता है, एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध को। उसी प्रकार यहां पर एक और रेखा होती है, इसी रेखा का मान है 23.5 डिग्री। अंतर केवल इतना है कि यहां पर साउथ है यानी दक्षिणी गोलार्ध में। अगर इसकी बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी इस रेखा का नाम कर्क रेखा है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में है, इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम है मकर रेखा। एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। अगर आपसे देखिएगा, पूछा जाए कर्क रेखा किस गोलार्ध में पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में। अर्थात जिन देशों से भी कर्क रेखा होकर गुजरेगी वो सभी देश उत्तरी गोलार्ध में होने चाहिए, और जिन देशों से या जिस महाद्वीप से मकर रेखा होकर गुजरेगी वो कहां पर होना चाहिए? मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री साउथ होता है, तो ये कहां होनी चाहिए? दक्षिण में होनी चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध में होनी चाहिए। कहां पर? दक्षिण या दक्षिणी गोलार्ध में होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये तीन रेखाएं हैं। अब हमारा महाद्वीप है, इस महाद्वीप में अगर हम रेखाओं को चिन्हित करें कि कहां पर कौन सी रेखा है, तो देखिएगा यहां पर एक रेखा यहां से गुजरती है, इस रेखा का नाम इक्वेटर है, जो भारत के दक्षिण से होकर गुजर जाती है। ये इक्वेटर क्या है? इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। इस इक्वेटर के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिएगा यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में से स्थल खंडों की अधिकता। तो देखिएगा उत्तरी गोलार्ध है, यहां पर आपको ज्यादा स्थल खंड दिखाई दे रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आपको स्थल खंडों की अधिकता कम दिखाई दे रही है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछता है वो कि बताइएगा वह कौन कौन से महाद्वीप हैं, वह कौन कौन से महाद्वीप हैं जो उत्तरी गोलार्ध में है, वह कौन कौन से महाद्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में है। क्या ऐसे भी कोई महाद्वीप हैं जो उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में हो? तो आइएगा इन चीजों को समझते हैं। यहां पर पहले हम रेखाओं को चिन्हित कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर एक रेखा है जो भारत देश से होकर भी गुजरती है, इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है। इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार ये भारत से जा रही है, और यहां पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी मकर रेखा है, जो इस प्रकार से जा रही है। बीच वाली विषुवत रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, यहां पर एक कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब अगर मैं कहूं कि बताइएगा कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो देखिएगा कर्क रेखा यानी ये किस महाद्वीप से होकर गुजर रही है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से होकर गुजर रही है? अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से होकर गुजर रही है? एशिया महाद्वीप से। किस महाद्वीप से? एशिया। अगर मैं कहूं मकर रेखा, तो बताइएगा मकर रेखा किस महाद्वीप से? दक्षिणी अमेरिका से। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। मैं कहूं कि बताइएगा कि विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, देख रहे हैं आप, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका महाद्वीप से, और यहां पर एशिया महाद्वीप का भाग है, एशिया महाद्वीप से, ठीक है ना। तो क्या बार बार हम ऐसे ही मानचित्र लेके जाएंगे एग्जाम में? नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको मानचित्र ले जाने की अनुमति नहीं होती है। इन चीजों को हम एक ट्रिक के माध्यम से, एक फॉर्मूले के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं कि कहां पर कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिएगा यदि किसी महाद्वीप से यदि कर्क रेखा गुजरती है तो वह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में होना चाहिए, और किसी महाद्वीप से यदि मकर रेखा गुजरती है तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, और यदि किसी महाद्वीप से और यदि किसी महाद्वीप में या किसी महाद्वीप से विषुवत रेखा गुजरती है तो विषुवत रेखा यदि किसी महाद्वीप से गुजरती है तो यह महाद्वीप दोनों गोलार्धों में होगा, क्योंकि आप यहां पर देख लीजिएगा यह दक्षिण अमेरिका है, तो यहां पर अगर विषुवत रेखा गुजरती है तो ऊपर वाला ये वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध में और ये संपूर्ण वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध में।
यहां पर ये विषुवत रेखा है, ऊपर वाला भाग हो गया ये अफ्रीका का उत्तरी गोलार्ध में और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध में। ये एशिया महाद्वीप से गुजरती है, ऊपर वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध में और जो इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र है ये कहां पर हो गया दक्षिणी गोलार्ध में। ट्रिक हो गई हमारे पास कौन सी कि यदि किसी महाद्वीप से केवल कर्क रेखा है तो उत्तर में है वो, यदि किसी महाद्वीप से केवल मकर रेखा गुजरती है तो दक्षिणी गोलार्ध में है, और यदि विषुवत रेखा गुजरती है तो वो दोनों गोलार्धों में, तो वह दोनों गोलार्धों में। इतनी बात आपको याद रखनी है। आइएगा इसी को हम एक ट्रिक के माध्यम से सजा देते हैं, ये आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा ये आपको याद रहेगी। हम महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम लिखते हैं, महाद्वीपों का हम घटता हुआ क्रम लिखते हैं, तो महाद्वीपों का यदि घटता हुआ क्रम लिखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया हो गया, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका हो गया, एशिया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद कौन सा हो जाता है हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका। महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम लिख रहे हैं, उत्तर अमेरिका के बाद कौन सा महाद्वीप आता है तो दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के बाद कौन सा महाद्वीप है तो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद कौन सा आता है तो यूरोप महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप के बाद कौन सा आता है तो यूरोप महाद्वीप के बाद विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आता है, और इस विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया। ये हमने महाद्वीपों को घटते हुए क्रम में लगा लिया। अब मैं यहां पर एक ट्रिक लिख रहा हूं, और ट्रिक इस प्रकार लिख रहा हूं, मौसम है आम का तो मैंने यहां पर तीन बार मैंने आम लिखा, अंटार्कटिका पर मानव जीवन संभव नहीं है तो यहां पर हम आम नहीं लिखेंगे, और फिर से हमने यहां पर आ और यहां पर क्या लिख दिया मा, ठीक ना। उसके बाद इस आम को जो व्यक्ति खाएगा उस व्यक्ति का नाम कवि है, तो हमने ऐसे तीन अगर आम है तो तीन क्या होने चाहिए तो तीन कवि होने चाहिए, तो हमने इस प्रकार कवि लिख दिया। इस प्रकार हमने एक बार आम लिखा आम 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 और एक बार कवि कवि कवि। तो यहां पर जो का है इस का अर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, इस का अर्थ क्या है कर्क रेखा। मां जो है इस मां का अर्थ क्या है तो मां का अर्थ है मकर रेखा, का अर्थ कर्क रेखा, मां का अर्थ मकर रेखा। जो वी है इस वी का अर्थ क्या है तो इस वी का अर्थ है विषुवत रेखा, वी का अर्थ क्या है तो वी का अर्थ है विषुवत रेखा। और आ जो है आ का अर्थ क्या है तो आ का अर्थ है आर्कटिक वृत्त, आ का अर्थ क्या है आर्कटिक वृत्त, और आर्कटिक वृत्त जो होता है आर्कटिक वृत्त का मान 6.5-6 डिग्री नॉर्थ होता है, कितना होता है 6.5-6 डिग्री नॉर्थ। आप देख लीजिएगा कोई भी महाद्वीप दिया जाए तुरंत बता देंगे, बताइए एशिया महाद्वीप, देखिएगा विषुवत रेखा गुजर रही है दोनों महाद्वीपों में होगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही होंगी, आपको आ याद नहीं रखना है, सेंटेंस या ट्रिक बनाने के लिए इसका हमने उपयोग किया है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है, देखिएगा ये बात मैंने भी लिखी है, अफ्रीका महाद्वीप मकर कर्क और विषुवत, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो जिससे केवल और केवल मकर रेखा गुजरती है, तो देखिएगा यही तो हमने ट्रिक में लिखा है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। इस ट्रिक के आधार पर आप अक्षांश रेखाओं का भली भांति अध्ययन कर सकते हैं, किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजर रही है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक ना। आइएगा अब हम अपने महाद्वीप पर आते हैं, तो हम जो महाद्वीप पढ़ने चल रहे हैं आज और जो महाद्वीप हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं उस महाद्वीप का नाम है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। चलिएगा तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को हम देखते हैं मानचित्र के माध्यम से, हम पढ़ेंगे डायग्राम मानचित्र हम बनाएंगे। ये जो आपके सामने दिख रहा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक वाला मानचित्र है, दो प्रकार के मानचित्र होते हैं, एक प्राकृतिक मानचित्र होता है जिसमें पर्वत पठार मैदान वगैरह बने रहते हैं, और एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मानचित्र होता है जिसमें देश और उनकी राजधानियां, उनके शहर, उनकी बाउंड्रीज बनी रहती हैं, उनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं,
तो आगे वाली दिशा पूरब है, पीछे वाली दिशा पश्चिम है, ऊपर वाली उत्तर है, नीचे वाली दक्षिण है। देखिएगा अगर एक बार समझ ली ये चीजें तो हमेशा के लिए आ जाएंगी, ठीक ना। मालूम है कि 45-50 दिन है आपके पास पढ़ना है, लेकिन पहले अगर हम बेस नहीं बनाएंगे आपका, अगर आपका बेस नहीं बना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बेस नहीं बना पाएंगे तो फिर पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, और जब पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, और चीजें समझ में नहीं आएंगी तो हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो देखिएगा अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूरब में क्या है, तो पूरब में यहां पर पानी है और यहां पर जो महासागर है उस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूरब में अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिम में यहां पर कौन सा महासागर है, तो नॉर्थ पैसिफिक। अभी हमें नॉर्थ साउथ से मतलब नहीं है, केवल हम महासागर से मतलब है, तो पश्चिम इसके प्रशांत महासागर है। अगर बात की जाए कि उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में यहां पर आर्कटिक महासागर है। कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। और दक्षिण में बात की जाए तो यहां पर गल्फ ऑफ मेक्सिको है, मेक्सिको की खाड़ी है। क्या है, गल्फ ऑफ मेक्सिको यानी मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक ना। इतनी बात, पूरब में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत, उत्तर में आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में क्या है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी है। आपसे पूछ लिया जाएगा एक ऐसा महाद्वीप बताइएगा जिसके उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, और दक्षिण में गल्फ ऑफ मेक्सिको यानी मेक्सिको की खाड़ी हो, तो आप बताएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अब आइएगा अगर उत्तर अमेरिका महाद्वीप के हम देशों की बात करें तो देखिएगा यहां पर एक देश आपको बड़े साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, जिसका नाम है कनाडा यानी कनाडा, इंग्लिश में कनाडा, हिंदी में कनाडा, और कनाडा के नीचे बड़े बड़े शब्दों में दिखाई दे रहा है विश्व की महान शक्तियों में से एक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दिख रहे हैं, यहां पर एक छोटा सा, इनकी अपेक्षा छोटा सा एक देश दिख रहा है जिसका नाम है मेक्सिको। कौन सा है, मेक्सिको। और मेक्सिको के नीचे यहां पर छोटे छोटे से कुछ देश हैं, जैसे ग्वाटेमाला है, बेलीज है, होंडुरास है, ठीक ना, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, पनामा है। तो छोटे छोटे से देश है यहां पर, ठीक ना। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पर है और इसका एक भाग यहां पर है जिसका नाम है, इसका नाम है अलास्का। तो अलास्का यूएसए का एक राज्य है और लेकिन इसकी अवस्थिति यहां पर है। तो इसकी अवस्थिति, अलास्का की अवस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर इसलिए है क्योंकि अलास्का पहले जो है, ऊपर आपको दिख रहा है ये रसिया लिखा है यानी रूस, अलास्का जो है पहले रूस का भाग हुआ करता था जब तक सोवियत संघ रूस था, रूस जब संगठन में था, लेकिन जब इसका विघटन हुआ तो रुपए की कमी आ गई, पैसे की कमी आ गई, और इसने अपने एक भाग को, अपने एक धरातल को, अपने एक जमीनी क्षेत्र को किसको बेच दिया, यूएसए को बेच दिया, ठीक ना, यूएसए को इसने बेच दिया, इसलिए वहां पर यूनाइटेड स्टेट लिखा होगा, ठीक ना। देखिएगा अगर हम इसमें बात करें तो इस मानचित्र में कुल 10 देश हैं जिनकी अभी हमें चर्चा करनी है, और इन 10 देशों को हमने यहां पर क्रम से सजाया हुआ है, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा। इनकी राजधानियां आपको खुद से ज्ञात करनी है। इनमें से जो कनाडा है और यूएसए है, यही दो देश हैं जो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, यही दो देश हैं जो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मेक्सिको, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा को किसके अंतर्गत रखा गया, मिडिल अमेरिका, किसके अंतर्गत, मिडिल अमेरिका के अंतर्गत रखा गया। और अगर मेक्सिको को हटा दिया जाए तो जो 7 देश बचते हैं आपके, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, इनको केंद्रीय अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है, 4 देश दे देगा, पूछेगा कौन सा मिडिल अमेरिका है, कौन सा मिडिल अमेरिका का देश नहीं है, कौन सा सेंट्रल अमेरिका है, कौन सा सेंट्रल अमेरिका का देश नहीं है। तो इसी प्रकार से सजो के रखना है, मेक्सिको किस में आता है, मिडिल अमेरिका में आता है। मेक्सिको के नीचे के जितने भी देश बचेंगे, 7 देश बचेंगे, वो किस में आएंगे, वो आपके सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो आपके सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा अगर इस मानचित्र में हम देशों को इंडिकेट करें कहां पर कौन सा है, तो देखिएगा कनाडा हो गया,
यूएसए हो गया, मैक्सिको देश हो गया, मैक्सिको के नीचे बढ़ेंगे यहां पर देखिएगा ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाजू में यहां पर बेलीज है, बेलीज के बाजू में यहां पर होंडुरास है, होंडुरास के नीचे यहां पर निकारागुआ है, और निकारागुआ के बाजू में यहां पर एल सल्वाडोर है, और सबसे नीचे मैप में बना नहीं यहां पर पनामा है। कौन सा है? पनामा देश है। इनकी राजधानी आपको स्वयं से ज्ञात करनी है, राजधानियां पूछता है, एग्जामिनेशन वाला आपसे कभी कई बार राजधानियां पूछ लेता है, ठीक ना। तो ये कुछ देश हैं, इन देशों को याद रखना है, कौन कौन से मिडिल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिडिल अमेरिका में मैक्सिको है, लेकिन सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको नहीं है। मैक्सिको अगर पूरे देशों को आप काउंट करेंगे तो ये कुल 10 देश हैं। अगर इन दो को हटा दिया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 10 में सबसे बड़ा जो है वो कनाडा है, कनाडा के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद मैक्सिको है, ठीक ना, यूएसए के बाद मैक्सिको है। तो मैक्सिको मिडिल अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा, किसका? मिडिल अमेरिका का, ठीक ना। इसी प्रकार से प्रश्न रखेंगे, हम एक चीज बताएंगे आपको और दो चीजें आपको खुद से जनरेट करनी है, खुद से अपना भी अध्ययन करते रहना है। इसी को शिक्षण कार्य कहा जाता है, ठीक ना। आइएगा, मानचित्र का अध्ययन करेंगे हम लोग, और मानचित्र में फिजिकल वाले मानचित्र को हम देखते हैं। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है, प्राकृतिक यानी फिजिकल मानचित्र है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झरना, नाला, ठीक ना, जल संधियां आदि चीजें होती हैं। हम उत्तर अमेरिका में आज जल संधियों की चर्चा करते हैं आपसे। किसकी? जल संधि। वाटर स्ट्रेट। अगर हम बात करें जल संधि की, तो जल संधि की पहली बात तो ये है कि जल संधि किसे कहते हैं। तो जल का एक ऐसा सकरा भाग, जल का एक ऐसा सकरा भाग, जल का एक ऐसा सकरा भाग जो दो स्थल खंडों को, जो दो स्थल खंडों को अलग करता है, जो दो स्थल खंडों को अलग करता है, एवं दो जलराशियों को आपस में जोड़ता है, जलराशियों को जोड़ता है। अब जलराशि में दो सागरों हो सकते हैं, दो महासागर हो सकते हैं, एक सागर एक महासागर हो सकता है, एक झील एक सागर हो सकता है, एक झील एक महासागर हो सकता है। जलराशि का मतलब है जहां पर पानी पाया जाए। तो दो जल संधि, जब भी आपके सामने शब्द आ जाए, संधि का मतलब भाई क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? जल को। तो जल संधि यानी जल का एक ऐसा सकरा भाग जो दो स्थल खंडों को अलग कर दे, पृथक कर दे, और दो पानी के भागों को जोड़ दे। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मान लीजिएगा एक जमीन का टुकड़ा है आपके पास, एक ए और एक बी, ये दो जमीन के टुकड़े हैं, और यहां पर एक एक्स नाम का सागर है यहां पर, और यहां पर एक बाई नाम का सागर है। तो यहां पर जो पानी होगा जो एक्स सागर को बाई सागर से जोड़ रहा होगा, इसी का नाम क्या हो जाएगा? इसी का नाम जल संधि हो जाएगा। जल संधियां एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है, और मिलान के रूप में पूछता है कि जल संधि दे देगा और दे देगा पृथक करने वाले स्थान, कौन से स्थानों को पृथक करती है, ठीक ना। तो जल संधि की डेफिनेशन हो गई। आइएगा एक एक से जल संधि को हम देखते हैं, और बस इसी डेफिनेशन को आपको याद रखना है। देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर बात करें इस वाले मानचित्र में, तो यहां पर एक जमीन का टुकड़ा है, इसका नाम अलास्का है। एक जमीन का टुकड़ा है और इसका नाम है अलास्का, और अलास्का यूएसए का भाग है, और यहां पर एक है रसिया यानी रूस, रसिया अर्थात रूस। यहां पर आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, यहां पर एक महासागर है आर्कटिक महासागर, और आपको यहां भी आसानी से दिखाई दे रहा है यहां पर एक महासागर है जिसका नाम है उत्तर प्रशांत महासागर, ठीक ना। यहां पर आर्कटिक महासागर के अंतर्गत ही यहां पर एक और सागर है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर,
और यहां पर प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही एक और सागर है जिसका नाम है बेरिंग सागर, बेरिंग सी, ठीक है ना, बेरिंग सागर। यहां बीच में एक जलसंधि है, इस प्रकार से यहां पर एक बीच में जलसंधि है और इस जलसंधि का नाम है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि। क्या नाम है? बेरिंग जलसंधि। यहां पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि जलसंधि क्या करती है, दो जमीन के भागों को अलग करती है और दो जल के भागों को आपस में जोड़ती है, दो जल के भागों को आपस में जोड़ती है। तो आप देख लीजिएगा, अगर ये बेरिंग जलसंधि है तो बेरिंग जलसंधि किस किस को जोड़ रही है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है, जबकि रसिया को किससे अलग कर रही है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग कर रही है। किससे अलग कर रही है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग कर रही है। हमने इतना पढ़ा दिया, आपने इतना पढ़ लिया, एग्जामिनर कुछ और पूछ लेगा, वो पूछ लेगा बताइए बेरिंग जलसंधि जो है वो किन दो महाद्वीपों के मध्य में है, बेरिंग जलसंधि है वह किन दो महाद्वीपों के मध्य में है? तो आप जानते हैं बखूबी, रसिया जो है वो दो महाद्वीपों के अंतर्गत पड़ता है, एक तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। लेकिन एशिया महाद्वीप में जो रूस का भाग है, उस रूस के भाग को हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं और ये साइबेरिया ही है। अर्थात ऊपर हो गया एशिया महाद्वीप और नीचे कौन सा महाद्वीप हो गया? तो नीचे जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है आपके कौन सा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो बेरिंग जलसंधि, ठीक है ना, बेरिंग जलसंधि की बात करें तो देखिएगा, मैं इस प्रकार से बना देता हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी और डायग्राम ही आपको याद रखना है। यहां पर एक कौन सा देश हो गया? रूस। और रूस एक किस महाद्वीप का भाग है? यहां पर एशिया का, यानी साइबेरिया वाला भाग है। और यहां पर अलास्का हो गया। अलास्का अगर बात करें कि अलास्का किस देश का भाग है, तो यूएसए का भाग है। और एक किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है। यहां पर एक महासागर है और यहां पर जो महासागर है इसका नाम मैं लिख देता हूं, यहां पर आर्कटिक महासागर है। और यहां पर जो महासागर है, यहां पर इस महासागर का नाम प्रशांत महासागर है। बीच में पानी का एक सकरा भाग है जो दोनों महासागरों को आपस में जोड़ रहा है, ए वाला सकरा भाग जो दोनों महासागरों को आपस में जोड़ रहा है, इसी सकरे भाग का नाम क्या है? तो इसी सकरे भाग का नाम है बेरिंग जलसंधि। क्या नाम है? तो इसी सकरे भाग का नाम क्या है? तो इस सकरे भाग का नाम बेरिंग जलसंधि है। अर्थात बेरिंग जलसंधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जबकि एशिया के रूस को उत्तर अमेरिका के अलास्का या उत्तर अमेरिका के यूएसए के अलास्का प्रांत से अलग करती है। अब यहीं पर आर्कटिक महासागर में यहां पर एक सागर है, और आर्कटिक महासागर में जो यहां पर सागर है, इस सागर का नाम क्या है? तो ब्यूफोर्ट सागर। तो ब्यूफोर्ट सागर है यहां पर, ब्यूफोर्ट सागर। और यहां पर भी प्रशांत महासागर में यहां पर एक सागर है जिसका नाम है बेरिंग सागर। तो हो सकता है वो आपसे ऐसा भी पूछ ले, हो सकता है वो आपसे ऐसा भी पूछ ले कि ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम बेरिंग जलसंधि। कौन सी जलसंधि? बेरिंग जलसंधि, ठीक ना। इतनी बात क्लियर हुई। अगली बात समझिएगा, यहीं पर इस प्रकार से यहां से एक रेखा गुजरती है, और इस प्रकार यहां से जो रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम है आईडीएल, आईडीएल इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। एक प्रश्न भी पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बता दीजिएगा हमें किस जलसंधि से होकर गुजरती है? बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। किन दो महाद्वीपों के मध्य से गुजरती है? एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। किन महासागरों से होकर गुजरती है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। बोलिए भाई, क्लियर है बातें? बातें क्लियर है। इसी प्रकार से, इसी मेहनत के साथ, इतनी ही ऊर्जा के साथ, सारे अध्यापकों के द्वारा आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में पूरा का पूरा बैच संचालित होगा और निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाई जाएगी। आपको बस एक छोटा सा कार्य करना है, ये जो 45 दिन का टारगेट क्रैश कोर्स है खंड शिक्षा अधिकारी 2020 के लिए, इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, बी एंट्री बीईओ लिखकर, एंट्री बीईओ लिखकर इस नंबर पर आपको क्या कर देना है, केवल व्हाट्सअप कर देना है। हमारी टीम
टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, आपको पूरी की पूरी एडमिशन प्रक्रिया बता दी जाएगी, ठीक ना। चलिएगा आगे देखते हैं, एक जल संधि अभी तक हमने पढ़ी है, अब दूसरी जल संधि की ओर बढ़ते हैं हम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग दूसरी जल संधि देखेंगे, ठीक ना। मिटा देता हूं मैं, यहां देखिएगा, यहां पर एक द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, द्वीप, एक हमारे सामने नया शब्द आया आइसलैंड, द्वीप, जमीन का एक ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल हो, जमीन का एक ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल हो उसको हम द्वीप कहते हैं, जमीन का एक ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल हो उसको हम द्वीप कहते हैं। ग्रीनलैंड के नीचे आपको साफ साफ लिखा दिख रहा है, डेनमार्क लिखा है, अर्थात ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क देश का अधिकार है और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहां पर ग्रीनलैंड द्वीप हो गया। ग्रीनलैंड द्वीप के बाद यहां पर जो ग्रीन कलर से दिख रहा है एक कनाडा है, कनाडा देश है, और कनाडा का यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है बेफेन आइसलैंड, बेफेन द्वीप। तो यहां पर एक द्वीप है ग्रीनलैंड और यहां पर एक द्वीप है बेफेन द्वीप। यहां पर एक सागर है लैब्राडोर सागर और यहां पर एक खाड़ी है बेफेन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बेफेन की खाड़ी। इनके मध्य में यहां पर एक जलसंधि है और इनके मध्य में जो यहां पर जलसंधि है इस जलसंधि का नाम है डेविस जलसंधि। जलसंधि का नाम क्या है? तो इस जलसंधि का नाम है डेविस जलसंधि। तो यहां पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। कनाडा का एक यहां पर द्वीप है और कनाडा का यहां पर जो द्वीप है इसका नाम बेफेन द्वीप है, बेफेन, बेफेन द्वीप है। यहां पर एक खाड़ी है और यहां पर जो खाड़ी है बेफेन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बेफेन की खाड़ी है। और नीचे यहां पर एक सागर है जिसका नाम है लैब्राडोर सागर। आपको ऐसे ही डायग्राम बनाकर याद करना है, लैब्राडोर सागर है और इनके मध्य में एक जल का सकरा भाग है और इस जल के सकरे भाग को नाम दे दिया गया डेविस जलसंधि। तो एक जलसंधि है ये और इस जलसंधि का नाम क्या है? तो इस जलसंधि का नाम है डेविस जलसंधि। जलसंधि का नाम क्या है? तो इस जलसंधि का नाम है डेविस जलसंधि। और डेविस जलसंधि जो है यह विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि का नाम है डेविस जलसंधि। किस किस को अलग करती है? ग्रीनलैंड द्वीप को बेफेन द्वीप से अलग करती है। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो डेनमार्क देश का अधिकार है। और बेफेन द्वीप किसका अंग है? तो बेफेन द्वीप जो है वो कनाडा देश का भाग है। देखिएगा इसी प्रकार से तैयारी करनी है, इस प्रकार से अगर तैयारी करेंगे तो मेरा वादा है आपसे, दावा है आपसे, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, परीक्षा में आप सटीक सटीक आंसर कर कर आएंगे, ठीक ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग दूसरी जल संधि की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। देखिएगा इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अगला देखिएगा, यहां पर बेफेन आइसलैंड हो गया, यहां पर लैब्राडोर सागर हो गया, यहां पर एक खाड़ी है हडसन की खाड़ी, हडसन बे, हडसन की खाड़ी है और यहां पर एक जलसंधि है ऐसी, इस प्रकार से यहां पर एक जलसंधि है और यहां पर जो जलसंधि है जलसंधि का नाम भी खाड़ी के नाम पर है, हडसन, हडसन जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? हडसन जलसंधि है। देखिएगा मैं इसी प्रकार हूबहू आकृति बना देता हूं। ए आपका बेफेन द्वीप है, यहां पर आपका द्वीप हो गया बेफेन, ये आपका बेफेन द्वीप है, यहां पर आपका कनाडा देश है, इस प्रकार से ये आपका कनाडा हो गया, ठीक ना, ये आपका कनाडा हो गया, इस प्रकार से पूरा ये आपका कनाडा है। यहां पर एक खाड़ी है और यहां पर जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है हडसन, हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? तो यहां पर एक खाड़ी है हडसन की खाड़ी और यहां पर एक सागर है और इस सागर का नाम है लैब्राडोर सागर। इस सागर का नाम क्या है? तो यहां पर जो सागर है इस सागर का नाम है लैब्राडोर सागर। और इनके बीच में यहां पर एक जलसंधि है, यहां पर ए जलसंधि रही, ठीक ना, ए या इस प्रकार बनाते हैं ऐसी जलसंधि है। इस जलसंधि का नाम है हडसन जलसंधि, हडसन
हडसन जल संधि, कौन सी जल संधि है? तो यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है हडसन जल संधि। तो हडसन जल संधि है यह क्या कर रही है? हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, जबकि बेफिन द्वीप को किस देश से अलग कर रही है? कौन सा देश है यहां पर? पूरा का पूरा ये कनाडा देश। कौन सा देश यहां पर पूरा आपको देख सकते हैं? कौन सा देश है? कनाडा देश। तो कनाडा देश से क्या कर रही है? कनाडा देश से अलग कर रही है। कौन सी? तो हडसन जल संधि, ठीक है ना, हडसन जल संधि यहां पर, ठीक ना। अच्छे से आपको याद रखना है, अच्छे से चीजें याद रखनी, ठीक ना। चलेगा, जल्दी से बनाइएगा, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यहां पर एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड द्वीप, कई बार पूछा गया है न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? कनाडा देश के अंतर्गत आता है, पहला प्रश्न। दूसरा, किस महासागर में है? कौन सा महासागर भैया ये? तो ये भैया नॉर्थ अटलांटिक महासागर, यानी अटलांटिक महासागर में है। किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है, ठीक ना। तो देखिएगा, ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप हो गया, और यहां पर ये पूरा का पूरा कौन सा देश है? तो यहां पर एक देश जो है इसका नाम है कनाडा। यहां पर हम बना देते हैं, देखिएगा, समझिएगा। यहां पर एक देश है, और यहां पर जो देश है इस देश का नाम है कनाडा है, और यहां पर एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप है यहां पर, ठीक ना। उसके ऊपर यहां पर एक सागर है, और यहां पर एक जो सागर है ऊपर, सागर का नाम भी लिख दे रहा हूं, लैब्राडोर सागर है यहां पर। इनके ऊपर एक सागर है, लैब्राडोर सागर है, और नीचे अगर बात करें तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है यहां पर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। इनके मध्य में जो जल का सकरा भाग है, अर्थात इसकी बात हो रही है, जो जल का ये सकरा भाग है, यह भी एक जल संधि का उदाहरण है। और अगर हम बात करें कि कौन सी जल संधि है, तो बैल आयल जल संधि है। कौन सी है? तो ये जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है बैल आयल जल संधि, ठीक है ना। कौन सी है? बैल आयल जल संधि है ये, आपको याद रखना। कनाडा को न्यू फाउंडलैंड द्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम बैल आयल जल संधि है, कनाडा को बेफिन द्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम हडसन जल संधि है, और कनाडा को, पूरे कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करने वाली जल संधि का नाम कौन सी जल संधि हो गया? तो डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि हो जाती है? डेविस जल संधि। बोलिएगा भाई, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर आप नीचे उतरिएगा तो यहां पर नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर, और यहीं पर एक सागर है, मानचित्र में नहीं लिखा है, मैं नाम बता देता हूं आपको, सारगैसो सागर है। सारगैसो नाम की घास पाई जाती है, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, सारगैसो सागर। तो यहां पर उत्तर अटलांटिक महासागर है, और यहां पर एक खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है। इनके बीच में यहां पर एक जलसंधि है। इस जलसंधि के ऊपर आप देख रहे हैं, ये यूएसए का भाग है, और ये यूएसए का फ्लोरिडा प्रांत है, फ्लोरिडा। और नीचे यहां पर एक देश है जिसका नाम क्यूबा है। अर्थात इसको हम इस प्रकार बना लेते हैं, इसको हम इस प्रकार बना लेते हैं, ए फ्लोरिडा हो गया, फ्लोरिडा के नीचे यहां पर एक देश है, और इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है क्यूबा। कौन सा देश है? क्यूबा। यहां पर एक सागर है या महासागर है, इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। इस महासागर का नाम क्या है? तो अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर में एक घास पाई जाती है, सारगैसो। तो यहां पर सारगैसो या सारगासो सागर है यहां पर, ठीक ना। और यहां पर इस प्रकार से अगर इसको पूरा बनाया जाए, ठीक ना, तो इस प्रकार से ऐसा, तो यहां पर एक खाड़ी है, और यहां पर खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी।
कौन सी खाड़ी है? तो यहां पर जो है, यहां पर मेक्सिको की खाड़ी है। इनके बीच में यहां पर एक चैनल है या एक जलसंधि है यहां पर, और ये जो जलसंधि है, ये जलसंधि का नाम है फ्लोरिडा जलसंधि। फ्लोरिडा जलसंधि है यहां पर, आप मानचित्र में देख सकते हैं फ्लोरिडा जलसंधि। तो फ्लोरिडा जलसंधि किस किस को जोड़ती है? देख लीजिएगा, अटलांटिक महासागर या सार्गेसो सागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, जबकि फ्लोरिडा प्रांत को किससे अलग करती है? क्यूबा से। फ्लोरिडा प्रांत जो है वो किसके अंतर्गत आता है? यूएसए के। तो हम कह सकते हैं यूएसए को किससे अलग कर देती है? तो यूएसए को ये क्यूबा देश से अलग कर देती है। कौन सी? तो जलसंधि का नाम फ्लोरिडा जलसंधि। उसके बाद अगर मानचित्र आपके सामने लिखा है, देखिएगा, अगर इस प्रकार हम इसको ऐसा बढ़ा दें आगे, ऐसा पूरा, तो ऐसा है ये पूरा का पूरा, यहां से मेक्सिको है, मेक्सिको, ठीक ना, मेक्सिको है, और मेक्सिको के बाजू में यहां पर क्यूबा है, और क्यूबा के नीचे आप यहां पर देखिएगा एक सागर है, और यहां पर जो सागर है, इस सागर का नाम है यहां पर कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। तो यदि आप अटलांटिक महासागर से फ्लोरिडा जलसंधि के द्वारा मेक्सिको की खाड़ी आ गए, और यदि आप मेक्सिको की खाड़ी से कैरेबियन सागर जाना चाहते हैं, तो यहां पर एक चैनल है या एक जलसंधि है जिसको आपको पार करना होगा, और यहां पर जो चैनल या जो जलसंधि है, ये जलसंधि का नाम है युकाटान चैनल या युकाटान जलसंधि, युकाटान चैनल या युकाटान जलसंधि, ठीक ना, ये आपको याद रखना होगा। युकाटान लिखा है, युकाटान चैनल या युकाटान जलसंधि, ठीक ना, युकाटान, ये आपको याद रखना होगा, ठीक ना, ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। चलिएगा, बताइएगा यहां तक पहुंचने में अगर किसी भी प्रकार की समस्या हुई हो, तो ये महत्वपूर्ण जलसंधियां थी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं, खास तौर से जो भी आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, लोकसभा आयोग इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। एक बार फिर से आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारी संस्थान टार्गवित आलोक में आपके लिए एक बैच लाया गया है, जिसमें प्रवेश के लिए आपको इस नंबर पर एंट्री बीईओ लिखकर मैसेज करना है, नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहा है, आप उन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।